the first part fifth, इसमें दिया हुआ x की पावर 10 y cube plus t की पावर 15, क्या पॉलीनोमियल है या नहीं? देखिए सिंपल सी बात है, पॉलीनोमियल चेक करने के लिए आपको पावर्स चेक करनी, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए और रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि पावर कितनी है, रेशनल नंबर इन द सेंस 1/2 1/3 1/5 भी होना चाहिए। हां सर, आते ना पावर्स इंटीजर्स होनी चाहिए। तो यहां पावर की आप क्लास देखी, पावर अगर इंटीजर हो गई तो यस दिस इज अ पॉलीनोमियल। बट यहां पर अगर वेरिएबल देखें तो कितने वेरिएबल है, 1 2 3 कितने वेरिएबल है। अच्छा जी, तो दिस पॉलीनोमियल, दिस इज अ पॉलीनोमियल बट नॉट इन अ वन वेरिएबल, दिस इज इन 3 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स